दहशतगर्दी की बात करो, आप सारे इस सूबे के अवाम सफर हो चुके ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने में, अपने मुल्क में मुहाजिर भी बन चुके, IDPs भी बन चुके, अपने कोर अपने घर बार छोड़ना भी पड़ा है, कुर्बानियाँ भी दिए। मैं अगर फोर्स से शुरू करो, अफवाज पाकिस्तान और FC के जवान और पुलिस के ख़ास कर, उन्होंने भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी और साथ साथ इन आवाम ने भी दी, मगर हर एक आज़म सारे मिलकर के दहशतगर्दी का खात्मा कराना है और यह अमन लाना है। और ये हमने अनोखा एहतजाज भी देखा कि पहली दफ़ा पुलिस भी प्रोटेस्ट कर रहे और एहतजाज कर रहे, जो समझने से बाला तर है कि उसका क्या एजेंडा है और उसके पीछे क्या क्या अजायम है। इस सूबे में बैठकर उनकी कोई मीटिंग कॉल करे, उनके जो चीज चाहे CTDO वाले हो, दूसरे हो, इलीट दूसरे जितने भी लोग हैं, उनसे पूछे, उनकी डिमांड पूरा करे, उनकी हौसला अफजाई करे कि आप लोग शहीद रहम आपके साथ है, उनकी हौसला शिकनी न करे, उसी में साथ न दे दे कि आप करें, उनको इसी पर कन्विंस कर दे कि आप भी स्ट्राइक का हिस्सा बन जाए। अगर आप मर्ज अजला में देखे वही भी ये सूरत हाल, अगर आप हमारी तरफ मलाकंड डिवीजन और सवात और इसमें देखे, कल का जो वाक़ हुआ है, सबसे पहले मैं एक दफ़ा फिर उसकी भरपूर मुजम्मत करता हूँ। बहुत बड़ी साजिश थी कि इंटरनेशनली अगर इतने एम्बेसडर्स और उनके आले खाना किसी जगह जा रहे हो और वही उनको हिट कराना, तो क्या मैसेज देने पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। इंतहाई काबिल अफसोस और ख़तरनाक मैसेज है। ग्राम पुलिस स्टेशन पर रात को 4-5 घंटे फायरिंग भी हुई, वो भी सबके सामने। तो इस तरह हालात मुल्क के, ये हालात दहशतगर्दी की एक ही बात अगर हम करते, और बहुत अफसोस की बात है कि दूसरी तरफ यह जो अपने आप को सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उसको इसे सिरे से एहसास ही नहीं है। इतनी बड़ी बातें करना, बढ़ के मारना, मुझे इससे दुख होता है। इस तरह नॉन सीरियस हुकूमत, पहले असम्बली में तकरीर किया तो कहते हैं मैं एक हफ्ते का वार्निंग देता हूँ, कोई भी नहीं रह गया। एक हफ्ते में 9 मई के जितने वाक़ात हो गए सबको ख़त्म कर गया, अदरवाइज कोई भी आ नहीं रह गया। उसको ये भी पता नहीं है कि मुकदमात FIR किस तरह ख़त्म होते, कि वही जो बन्नों में खिताब किया उसकी कितनी इम्प्लीमेंटेशन कर दी, क्या प्लान है आपके साथ। कहता है कि मैं जरगे बनाऊंगा दोबारा, लोग जरगे करेंगे, चेक पोस्टों की कोई ज़रूरत नहीं है, आज़ादाना घूमे फिरे। और साथ ही भी स्टेटमेंट दिया कि मैं अमन लाना चाहता हूँ, मगर किस जरिए लाना चाहता हूँ, अफगानिस्तान हुकूमत से ख़ुद मुज़ाकरात करूँगा, TTP से ख़ुद मुज़ाकरात करूँगा। खुदा के बंदे, उनसे मुज़ाकरात पहले तो आपकी जुरिस्डिक्शन क्या है। आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह एक दूसरे गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर सकते। लोग मुज़ाकरात गवर्नमेंट हुआ करती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बात करेगी। अगर आपने कोई गलती लास्ट टाइम की और वही मुज़ाकरात की, तो आप देख रहे हैं कि वही आज उसका क्या नतीजा और रिजल्ट निकला है। सब पाकिस्तान रहे न रहे, हमारा काम जारी रहे, गरीब सूबे को लूटना। अभी लोग समझ रहे, डे बाय डे समझ रहे कि उसकी लीडर का क्या एजेंडा है और उसका क्या है। अरे एक ही पाकिस्तान है, अगर यह बदमनी हद तक पहुंच जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क में फैलेगी। ये सिर्फ यह KPK तक रुकवाना फिर नहीं है, अगर यह ये हालात हो रहे डे बाई डे तो ये एक ही पाकिस्तान है, आखिर हर एक कोने तक जाएगी। तो उसके लिए सोचना होगा किस तरह एक 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 चीज़ उन्होंने बना के और किस तरह अपने जवानों को गुमराह कर रहा है। मैं तो कहते हैं सबसे बड़ी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ, इस सूबे के खिलाफ, इन आवाम के खिलाफ। KP के अवाम मुहिब वतन पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। रेफरेंडम हुआ, उन्होंने भी 1947 में पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के झंडे का साथ दिया। आप क्यों, अगर यहाँ लोगों ने लाखों की लोगों ने कुर्बानियाँ दी है पाकिस्तान के झंडे के लिए दिए, पाड़ा चिनार में क्या हो रहा है, कितने लोग मर गए पाड़ा चिनार में, लड़ाई जारी है। क्या चीफ मिनिस्टर ने कोई ट्राई किया, वही गया है
उसका एक मिनिस्टर गया है, कोई और गया है, वही लोग अभी मैंने सुबह पूछ रहा था, कहते 30 से ज्यादा लोग उसमें मर गए और जंग जारी है कई कई दिनों से। उसका इंटरेस्ट लेने की सूबे में क्या होना है, नहीं कैदी 804 नहीं निकलेगा। जो कुछ उसने नौमाई में किया है, जो कुछ उसने साइफर में किया है, जिसने दूसरे झूठ बोले, वही हिसाब किताब उसको देना पड़ेगा। ये सुबह हम सबका है, इसको इस तरह बर्बाद करना और इन इन पख्तूनों के बारे खास कर इस तरह मैसेज देना, फाशी का, गुंडागर्दी का, अफगानिस्तान का कौन सा जनरल आता है और वो किस तरह नहीं उठता है पाकिस्तान की झंडे के एहतराम में, पाकिस्तान की तराने के एहतराम में। आप उसके साथ मिले हुए, मैं कहता हूँ इसमें भी कोई बात खारिज इम्कान नहीं है, आप इससे भी कोई इशू बनाना चाहते, मगर मैं वो कौंसलर जनरल की नहीं पाए अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कहता हूँ कि ये नहीं अफगान अवाम के इंटरेस्ट में इस तरह नफरतें बढ़ाना, अफगानियों और या पाकिस्तान की अवाम को एक दूसरे से दूर कराना। अभी भी 30 लाख अफगानी यहाँ रह रहे, 44 साल से पाकिस्तान की अवाम बर्दाश्त कर रही, दुनिया के किसी मुल्क में इसका मिसाल नहीं है। कितने प्यार से और मोहब्बत से आज तक लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, आप उनके लिए भी मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं, उनमें भी नफरतें बढ़ा रहे हैं कि वही अफगान अवाम में भी नफरत हो और पाकिस्तान की अवाम एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। अगर एक खाकी वर्दी को इतना बदनाम किया तो याद रख के आपकी वही मुझे 2005 के जलजले भी याद है, पर सिर्फ ये खाकी वर्दी वाले हर पहाड़ पर खड़े थे और लोगों की मदद कर रहे थे। मुझे वो 2010 का तबाहकुन सैलाब भी याद है, फिर भी ये खाकी वर्दी वाले, मुझे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग याद है कि हर जगह उनकी शहादत है और खड़े पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक, वही अपने बॉर्डर की अपनी जगह। तो अगर आप आवाम की जहनों में जो आपने काम शुरू किया है इसको इतना डिवेल्यू करे तो ये कोई इंडिविजुअल के साथ ज्यादती नहीं, पूरे मुल्क के साथ ज्यादती करे, पूरे कौम के साथ ज्यादती कर रहे। किसी फर्द वाय से इख्तिलाफ हो सकता है, हर एक का हक है, राइट है, मगर बहसियत इंस्टीट्यूशन अगर आप इस तरह मैसेज अपने लोगों को इसी पर लगाए सोशल मीडिया पर, मुल्क की खिदमत नहीं, ये पाकिस्तान रहे हम सारे रहेंगे, मगर आपका एजेंडा पाकिस्तान है ही नहीं, आपका एजेंडा कोई और है, वही जो आपके बैरूनी हक आए वही से बैठे हुए, आपका एजेंडा ये है कि किस तरह पाकिस्तान खत्म हो जाए। पाकिस्तान इसराइल के अपने वही आप उसके देख ले तो इस तरह नहीं कि उनके सारी मीडिया उनके कंट्रोल में, वही जो भी बयान बड़े बड़े अखबार, इसराइल टाइम्स हो गया, यरूशलम पोस्ट हो गया, जो भी देता है इस तरह पॉलिसी बयान और ये वो अपनी मर्जी से नहीं देता है कि यार साहबी की अपनी मर्जी है लिख लिया, वो वही से आप देख रहे हैं, उन्होंने कभी गजा और फलस्तान की बात की है, जो वही मजालिम हो रहा है, जुरत नहीं कर सकते कि उस पर दुआ अल्फाज लिखे, तो जो उन्होंने इमरान खान के बड़े स्टेटमेंट्स लिखे, जो बयान दिए उनकी सपोर्ट का, मुझे कल कोई पूछ रहा था तो मैंने कहा कि यार ये कोई नई बात है, ये तो हम डे वन से कह रहे हैं कि उसकी बीवी कौन है, उसके बच्चे कौन है, और वो बच्चे है किधर, आए वो यहूदी है नहीं है, उसका आगे क्या क्या रिश्ता है, वो रहते किधर है और कहाँ है, तो ये तो कोई नई बात ही नहीं है कि ये ट्रंप आएगा फ्लाएगा और पाकिस्तान पर दबाव डालेगा और फिर पाकिस्तान में इमरान खान को रिहा करेगा शेख चलियो वाला प्लान और फिर इमरान खान इसराइल के साथ दोस्ती बढ़ाएगा और सब कुछ करेगा, तो उसकी वही से एजेंडा भी है और अभी हर एक बंदा रियलाइज कर रहा है। तो हम जमहूरी लोग हैं, गवर्नर राज भी एक आइनी चीज है, कोई गैर आइनी भी नहीं है, सबसे पहले है कि गैर आइनी इकदाम उसमें कोई प्रोविजन नहीं है, एक आइनी इकदाम है, मगर एक तरफ अगर आप देख लें कि हालात इसी पर हो कि एक सूबा और उसका चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन को मानते ही नहीं सिरे से, उसकी इसमें कोई दिलचस्पी है नहीं, अगर सुबह हाथ से जाते सूबा पूरा दहशतगर्दी के लपेट में आ जाता है, सूबा अगर वो खुद कहता है कि मैं दूसरे ममालिक से खुद मुज़ाकरात करूंगा और कोई आज तक इस सूबे के लिए कोई बात ही नहीं की, अगर गृह स्टेशन पर खुद चीफ मिनिस्टर और उसके MPA जाते हैं और इसी तरह अमला को खुद जलाते हैं और वही खुद इस तरह दहशतगर्दी करते हैं, तो कौन पर इस तरह हालात अगर बन जाए तो क्या होगा, ये एक सूबे की बात नहीं है पूरे मुल्क की बात है, अगर एक सूबा इस तरफ जाता है तो वो भी एक आइनी और लाश इकदाम है, अगर कुछ नहीं हो सकता है और इस तरह सिस्टम चलता है तो फिर हुकूमत को तो मुल्क की इंटरेस्ट में अपना रेट कायम करना है, उसका तो कोई और सोल्यूशन है नहीं, इसके पीके के अवाम की जान माल की
तहफ्फुज़ करना, फिर तो वही प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर उसकी प्रायोरिटी नहीं है, अगर वो सूबाई हुकूमत से बात करते हैं और सूबाई हुकूमत वही है, अगर आप एक लेमन से बाजार में पूछे अगर ये हाल है, आपका चीफ मिनिस्टर इतना नान सीरियस है, आपकी हुकूमत प्रोविंशियल इतनी नान सीरियस है, ऊपर लेवल टॉप से लेकर नीचे लेवल तक एक पटवारी और डिस्पेंसर और किस्ते किस किस स्टेज पर एसी और डीसी और प्ला इसी तरह लोगों को लगाया जा रहा है, उनको गवर्नेंस का कोई पता नहीं। अगर क्राइटेरिया ये होना है कि कौन ज्यादा दे सकते हैं उसको लगाए, कोई क्राइटेरिया और कोई ईसीआर और कोई चीज़ है नहीं, तो फिर क्या होगा? ये सारे चीज़ें अगर देख कर तो ये बात आपकी खारिज इम्कान नहीं है, एक मजबूरी है। मजबूरी की शक्ल में अगर कोई इस्लाह नहीं हो पा रही है, और ये हम देख दें कि ये सुबह हम से निकल रहा है, और जब सुबह निकलते हैं तो पूरा पाकिस्तान निकलेगा। अगर इंटरनेशनली हमारा इस तरह मैसेज जाता है, नेशनली जाता है, तो लास्ट ऑप्शन है, कोई गैर आइनी ऑप्शन है ही नहीं, मगर बहुत मजबूरी के ऑप्शन है, कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। मगर इसके अलावा हल फिर क्या है? कोई सोल्यूशन है नहीं। ये हर एक बात वक्त के साथ देखा जाएगा। अगर सिस्टम नहीं चल रहा है और सिस्टम इस तरह तबाही की तरफ पूरा सूबा भी जा रहा है और उसके असरात पूरे मुल्क पर पड़ रहे, तो कुछ ना कुछ तो जरूर। अभी 8 अक्टूबर को जो वही तकरीर की जलसे में, तो उसने क्या कहा? 2 हफ्ते का डेडलाइन दिया कि अगर 2 हफ्ते में इमरान खान रिहा नहीं हुआ तो मैं खुद जाके रिहा करूँगा। तो मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब, आपको याद कराना चाहता हूँ कि अभी वो डेडलाइन गुजर गया, वो 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए, आपकी याददाश्त कमजोर हुए, तो आप अपने शहद के साथ बादाम मिलाकर खाए और याद रखे कि उस दिन आपने क्या कहा था।